हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, सो उसी को कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को पता है कि आपके टर्म वन एग्जाम आने ही वाले हैं, सो मैं चाहती हूँ कि आप जितना से ज्यादा हो सके आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफी टर्म वन से रिलेटेड काफी कुछ एमसीक्यूज हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। अब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं कि वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। ये हम चैप्टर 10 का जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन का जो चैप्टर है उसमें इमेज फॉर्मेशन के आपके काफी क्वेश्चन आपको अभी तक मिले होंगे जब आपने अपने अपने टर्म वन के एमसीक्यूज को सॉल्व किया होगा डिफरेंट डिफरेंट बुक से। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन है उसके जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको कैसे करें अपने एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम मेनली कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बाकी जो और बचे हुए मिरर और लेंस है हमारा उसका हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। आप तब इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अनदर वीडियो मिस नहीं कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए कुछ सर्टेन चीजेस को करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट्स होते हैं। सो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे कुछ हमारे रूल्स हैं जो कि हमारी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अगर हमारी इमेज बनती है तो उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हैं। आइए इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहला रूल नंबर 1 है हमारा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पासस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रू लेंस। इसमें बताया गया है कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट है जो कि हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सभी को पता होगा ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो सीधी सी लाइन है, और ये जो हमारा एफ डैश है ये हमारा ये जो एफ डैश है वो हमारा सेकेंडरी फोकस है, और जो खाली हमारा इधर की साइड राइट हैंड साइड जो हमारा एफ है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक, ये हमारा सेकेंडरी फोकस और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो इसमें लिखा है कि जो हमारी लाइट जो पैरेलल आ रही है उसका क्या होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगी और वो फोकस पे मुड़ जाएगी। ठीक, इसमें यही लिखा है अगर हमारी कोई लाइन पैरेलल है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद फोकस पे बेंड हो जाती है या फोकस पे से पास होकर जाती है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रू द लेंस। अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है फोकस से। यहाँ पे था कि हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल है, अब हमें दिया हुआ है कि हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है और तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रेक्शन के बाद लेंस से। ठीक है, हमारी ये लाइन आई जो कि फोकस से आ रही थी तो ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस पे जाने के बाद पैरेलल हो जाएगी जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। डिफाइन रूल नंबर 1 में अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो वो फोकस पे मुड़ेगी। अगर हमारी लाइन फोकस से ही आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट की रेज हमारी फोकस पे ही आकर गिर रही है, तो वो लेंस से जाने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। जबकि रूल नंबर 1 में था कि अगर हमारी लाइन पैरेलली आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से तो वो आपके लेंस से टकराने के बाद या लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आपकी फोकस पर मुड़ेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल नंबर 3 में है हमारा कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन द लेंस। कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कॉन्वेक्स लेंस के तो वो सीधी चली जाएगी रिफ्रेक्शन के बाद, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, वो कहीं बेंड नहीं होने वाली। ये लाइन हमारी आई ये सीधी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। दैट्स इट। रूल नंबर 1 में आप ऐसे मेमोराइज करिए कि रूल नंबर 1 में क्या था, पैरेलल से जाएगी तो फोकस से मुड़ जाएगी। रूल नंबर 2 में था कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 में था ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी चलती चली जाएगी, कहीं बेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं होप करती हूँ कि रूल सारे रूल आपके बस 3 ही रूल हैं, आपको इजीली याद हो गए होंगे। अब हम इनके बेसिस पे ही अपने जो केस हैं वो बनाने वाले हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस होंगे, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। केस 1 है हमारा एट इन्फिनिटी, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी। क्वेश्चन है हमारे, हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का नेचर क्या रहने वाला है।
तो बात कर लेते हैं जो आपके इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा उनसे लाइट जो है हमेशा पैरेलली रेज आती हैं, हमेशा लाइट वहां से पैरेलल आती है। तो यहाँ पे हम एक रे लेंगे जो कि हमारी पैरेलल आ रही है। फिर उसके बाद रूल वन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हमारी कोई रे पैरेलली आई है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद कहाँ से मुड़ेगी, फोकस से। तो ये हमारी फोकस से मुड़ गई है। आपको क्लियरली विजिबल थोड़ा सा नहीं होगा, सॉरी फॉर डैट, बट इट्स ओके। ये हमारी पैरेलल आई और ये हमारी फोकस से मुड़ गई। देन हम एक और रे लाइट ले रहे हैं कि वही हमारी सेम रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग पैरेलल आई, देन अगेन वो हमारी फोकस से मुड़ गई। तो ये हमारा यहाँ पे फोकस है, ठीक है। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी वो हमने देखा कि वो हमारा, हमने पहले डिफाइन कर रखा था, वो हमारा फोकस है। तो यानी जो हमारी इमेज अब फाइनली बनी है वो हमारी फोकस पर बनी है। इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पर, ठीक। इमेज का साइज क्या है, हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटी इमेज है। आप देख सकते हैं कि जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत ही मामूली सी इमेज बनेगी। यानी जो हमारी इमेज का साइज है वो काफी छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको। नेचर, जो हमारी इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड हमें इमेज मिलेगी। गेट इट। चलिए अब हमारे केस नंबर वन हो गया है, अब हम केस नंबर टू की बात करते हैं। वेयर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ डैश, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट टू एफ डैश के बियॉन्ड रखा है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज का साइज क्या होगा और इमेज के नेचर क्या रहने वाली है। अगेन इसको देख लेते हैं, 2F के बियॉन्ड हमारी इमेज है, ये रखी। उसके बाद यहाँ से हम पैरेलल लाइन लेके गए, ओके। उसके बाद रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग हमें आता है अगर हम पैरेलल लाइन कोई आ रही है ऑब्जेक्ट से तो वो हमारी कहाँ पे बैंड हो जाएगी, फोकस पे। ये हमारी इमेज फोकस पे बैंड हो गई है, सॉरी, ये हमारी इमेज फोकस पे बैंड हो गई। देन हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको रीड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा। हमारी फोकस पे बेंड हो गई। अब हम एक रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग हमें याद है अगर हमारी कोई रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है तो वो सीधी ऐसे चली जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये रे हमारी सीधी ऐसे चली गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल जैसे आई थी वैसे चली गई, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये एफ और टू एफ डैश, टू एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे हमारा एफ था और यहाँ पे हमारा टू एफ था। तो हमने बता दिया कि जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी एफ और टू एफ के बीच में बनेगी। ये देखिए, ये हमारा है कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, एफ और टू एफ के बीच में। देन है कि इमेज का साइज क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इमेज कुछ बड़ी सी थी, यहाँ पे कुछ छोटी सी इमेज आई है इसके कंपैरेटिवली। सो हम बोलेंगे कि डिमिनिश्ड है या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, कि हमारी जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कुछ कम है। नेचर इसका, अगेन नेचर इसका भी नेचर रियल और इन्वर्टेड है। होपफुली ये दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट टू एफ डैश पे रखी है तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है। ठीक, अब हम 2F डैश पे हमारी इमेज रखी है, हमने क्या करा, अगेन हम पैरेलल लाइन लेके गए, सेम वही प्रोसेस है, हम पैरेलल लाइन लेके गए, ये रही। फिर देन ये हमने, हमारी फोकस से पास हो गई है, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग फोकस से पास हो गई है। देन अगेन हम एक रे ले है, वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो देन जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहीं हमें इमेज मिलेगी। ध्यान रखना हम यहाँ पे दो रेज इसलिए ले रहे हैं, दो लाइट रेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए, और कुछ भी चीज़ गेट करने के लिए हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए दो कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हम दो रेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइन है हमारी इंटरसेक्ट कर रही है वो यहाँ कर रही है, जो कि हमारी ये ऑलरेडी हमारा 2F है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन हमारी इंटरसेक्ट करी, तो यानी हमें इमेज कहाँ मिली है, इमेज मिल गई हमें 2F पे। और इमेज का साइज क्या है, सेम साइज की इमेज है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका 2F वाला केस होता है उसमें आपको सेम साइज की इमेज मिलती है। आप जब इसको कॉपी पेन पर ड्रॉ करेंगे तो आप क्लियरली
क्या बोलते हैं, आप जब ग्रिड लाइन वाली कॉपी पे करेंगे तो आप मेजर कर लीजिएगा स्केल से कि आपकी बिल्कुल ये सेम लेंथ की आने वाली है। ठीक है, वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर प्रैक्टिस मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। पहले एमसीक्यूज नहीं आते थे तो एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, रे डायग्राम का बनवा लिया जाता था आपसे एग्जाम में। सो नेचर है हमारी इसकी रियल एंड इनवर्टेड, अगेन इसकी नेचर भी हमारी रियल एंड इनवर्टेड है। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 4। हमने 3 केसेस देख लिए हैं जिसमें हमारी पहले थी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे आई तो हमें इमेज कहाँ मिली बच्चों, फोकस पे। देन हमारा सेकंड था कि अगर हमारी इमेज 2f के बियॉन्ड है तो हमें कहाँ मिलेगी, f और 2f के बीच में। थर्ड केस था हमारा कि अगर हमारी इमेज 2f डैश पे रखी है तो हमें इमेज वो सॉरी ऑब्जेक्ट 2f डैश पे रखी है तो हमें इमेज भी 2f पे मिलेगी, और कंडीशन थी कि दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, अब हमारा केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में देख लेते हैं हम, उसमें कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है एफ डैश और 2f डैश के बीच में कहीं रखा है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एफ डैश और 2f डैश के बीच में कहीं है, ये हमारा एफ डैश है। ठीक है, यहाँ से हमने अगेन रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने एक पैरेलल लाइन ली, पैरेलल लाइन लेके हम गए, हम देखा कि हमारी जो पैरेलल लाइन है वो फोकस पर जाकर मुड़ गई, उसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं, फोकस पर जाकर मुड़ गई। देन अगेन हम दूसरी लाइन ले लेते हैं कि हमने ऑप्टिकल सेंटर से गई एक लाइन, और हमें पता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सेम ऐसे ही ट्रेस होती जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। सो ये थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है यहाँ पे बनाने में कंप्यूटर से, लेकिन आपकी जो इमेज है वो कहीं 2f डैश के बियॉन्ड कट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपकी 2f डैश और f डैश के बीच में है तो वो आपकी कहीं 2f के पीछे जाके कट करेगी आपकी। ठीक, सो हमने देखा कि जो हमारा केस नंबर 2 था कि उसमें हमारी इमेज जो थी 2f ऑब्जेक्ट 2f डैश के पीछे थी, तो इमेज कहाँ मिल रही थी हमें, f और 2f के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट 2f डैश और f डैश के बीच में है तो हम इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज मिलेगी हमें 2f के बियॉन्ड। समझ गए, इमेज की लोकेशन है हमारी बियॉन्ड 2f, इमेज का साइज लार्ज और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो काफी छोटा था, लेकिन जो उसकी जो इमेज आई वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी आई, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज का साइज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा नेचर क्या है, अगेन हमारा नेचर रियल और इन्वर्टेड है, हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। ठीक, देन हमारा 5th नंबर का केस है कि जब आपकी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ डैश, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ डैश पे है तो हमें कहाँ इमेज मिलने वाली है। चलिए इसको भी देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट एफ डैश पर ये रखा, अगेन हम पहले लाइन लेके गए, पहले लाइन हमने देखा कि हमारी फोकस पर जाकर कहीं फोकस से पास होगी। देन हमने देखा कि हम एक और लाइट रे लेके गए, वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चलती चली जाएगी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रे हमने ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन ये कहीं भी मीट नहीं कर रही, मतलब हम कितना इनको कहीं से भी ले कहीं तक भी लेते चले जाएं ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, तो ये पैरेलल लेज हमें बनती दिखाई दे रही है। और जो कि हमारी लाइन जो होती है, जब भी कोई पैरेलल लाइन आती है तो वो हमारी इन्फिनिटी से आती है या फिर इन्फिनिटी को जाती है, तो ये जब लाइन पैरेलल है इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलने वाली है। सो हमें अब जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनने वाली है, वो बनने वाली है हमारी इन्फिनिटी पे। देन हमारी इमेज का साइज क्या रहने वाला है, हाईली एनलार्ज रहने वाला है। आपको पता होगा जो भी लाइट रे आपके इन्फिनिटी से आती है वो काफी लार्ज ऑब्जेक्ट की होती है, तो हमारी जो इमेज होगी अब वो इन्फिनिटी पे जा रही है तो काफी लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है। हम इन्फिनिटी पे जो मोस्टली कंसिडर करते हैं ये सन वगैरह को कंसिडर करते हैं। नेचर है हमारी इसकी रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल जो है हमारी इमेज का नेचर रहने वाला है। हाँ मैं बता दूं कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे वाले, आपको पूछा जाएगा वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट एफ डैश, या फिर वो बोल देगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एट व्हाट प्लेस यू विल गेट द इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सो आपको अपने माइंड में ये केस जो है आपको अच्छे से बैठा लेने वाले हैं ताकि आपको एकदम मेमोराइज हो जाए, एकदम याद आ जाए। आप इमेजिन करिएगा अपने दिमाग में कि मैंने पढ़ा था कि 2f और f डैश के बीच में है, तो देन वो f 2f के बाद को कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो यानी वो हमारी 2f के बियॉन्ड जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको MCQs मिले होंगे, सो इनके बेसिस पे आप उनको टैकल कर पाएंगे। अब हमारा केस नंबर लास्ट आ गया है, हमारा केस नंबर 6।
इसमें है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ के बीच में है तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी? ये हमारा एफ डैश है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ओ, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये दिख रहा हुआ, ये आपके एफ डैश के बाद में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमने अगेन वही हमारा रो नंबर वन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले रे बनाई, उसके बाद वो हमारी फोकस पर जाकर कहीं फोकस से वो हमारी पास हुई। पास होने के बाद हम अगेन एक लाइन लेते हैं, वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, हमने देखा कि जा रही है लेकिन ये दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये पीछे जाते जाते काफी ब्रॉड होता जा रहा है इनके बीच में गैप, ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। हमने देखा ये तो पैरेलल भी नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे। फिर हमने पीछे इसको एक्सटेंड करना शुरू किया कि चलिए पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। हमने जैसे पीछे इसको धीरे धीरे एक्सटेंड किया, हमने देखा कि ये यहाँ कहीं कट कर रही है, दोनों लाइन यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हमारी जो इमेज है वो फाइनली कहीं पीछे बढ़ने वाली है। तो हमारी इमेज फाइनली हमने पीछे बना चुकी है, हमने पीछे गेट कर ली अपनी इमेज, ये हमें इमेज मिल गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इमेज की लोकेशन है वो कहाँ है। इमेज की लोकेशन जो है हमारी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे कि इमेज हमारी एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच थी, तो इसके पीछे ही बनी है ये इमेज। आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इमेज इसके पीछे बनी है या फिर जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड बनी है। ठीक, एमसीक्यू उसमें आपको कुछ भी आ सकता है कि बियॉन्ड योर ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से आपको जो भी उसमें सुटेबल पॉसिबल एमसीक्यू का आंसर है आप वही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि जो हमारी इमेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है या फिर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है। फिर हमारा जो इमेज का साइज है वो काफी एनलार्ज है, आपको दिख रहा होगा इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इतना सा था एंड इमेज हमारी कितनी बड़ी आई है, तो हमारी जो इमेज का साइज है वो काफी लार्ज है और नेचर जो है हमारी इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अभी तक हमने सारे केस पढ़े, उनमें सारी रियल और इन्वर्टेड थे, लेकिन इस वाले केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है क्योंकि हमने ये वर्चुअल ही इमेज है, हमने पीछे इसको एक्सटेंड कराया है, पीछे हमने इसको इंटरसेक्ट करवाया है, तो ये हमारी एक वर्चुअल इमेज हमने यहाँ पे मिल गई। सो मैं होप करती हूँ कि आप सभी को ये सारी केस स्टडी समझ में आ गए होंगे, सारी केस समझ में आ गए होंगे सारे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो प्लेलिस्ट है आपकी गूगल फॉर्म वाली टर्मान के रिलेटेड वो आप जरूर से चेक करें, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का एंड काफी बच्चे उसको बहुत ही अच्छे और लगन से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अगर आपने वो सॉल्व नहीं करी तो आप उसको अभी भी सॉल्व ना करें, प्लीज मेक श्योर आप उसको भी सॉल्व करें। एंड जो हमने साइंस की एक स्पेशल किट डाली है उसमें आप सबको सारे जो आपके टर्मान के चैप्टर वाइज रिलेटेड आपको एमसीक्यूज असिस्टेंट रीजन और केस स्टडीज में मिल रहे हैं। सोशल साइंस की हमने केस स्टडीज डाल दी हैं, सो आप मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी हमारे पॉसिबल प्लेलिस्ट एंड टर्म्स रिलेटेड आप उनको जरूर से चेकआउट कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड होपफुली आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी पता लग जाए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कैसा चाहिए या फिर वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी एंड जरूर चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। होपफुली आप काफी अच्छा करके आएंगे एंड थैंक यू, बाय।